जरूर चलेंगे। भाई देखो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर ये सवाल मन में उठा है तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव चीजें हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर नेगेटिव चीजें हैं। ठीक है, नेगेटिव चीजें कैसे हैं? अगर आप ये सोचोगे इसका मतलब आपको इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, और अगर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है तो दोस्त किसी भी चीज में हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हो सकता है जब तक कि हम सब्जेक्ट के अंदर अपना इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करेंगे। अगर वास्तव में आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता तो आपके अंदर जो है सीखने की जिज्ञासा होती, सीखने की ललक होती कि भाई चीजें सीखनी है। मैं कोई ऐसा थोड़ी ना कि परसेंटेज में मैं आपको उसके क्वेश्चन करा रहा हूँ, मेंसुरेशन के क्वेश्चन करा रहा हूँ। जब परसेंटेज के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन टाइप को तो सारों को कराऊंगा। अगर आप इसमें बोर हो रहे हो तो दोस्त मेरी क्या दिक्कत है? आप लोग ये भी जानते हो कि अगर 20 लाख 30 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे, सिलेक्शन उसमें से 7,000 का होना है, तो बल्क में लोगों को बाहर होना है। बाहर होने वाले व्यक्ति कोई दूसरे ग्रह से थोड़ी ना आते हैं, इन्हीं ग्रहों से होते हैं। आप लोगों में से ही बाहर होने वाले व्यक्ति भी होंगे और आप लोगों में से ही सिलेक्शन लेने वाले व्यक्ति भी होंगे। मेरी बात समझ रहे हो? मैंने उस दिन शुरुआत से एक चीज बोलता आया हूं, अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो आप लोगों को भीड़ से अलग हटके कुछ काम करना होगा, क्योंकि ये 7,000 जो सिलेक्शन होंगे, जितनी भी वैकेंसी आएंगी, ये 7,000 8,000 6,000 जितनी भी वैकेंसी आएंगी, ये सिलेक्शन जो होंगे ये उन 22-25 लाख लोगों से अलग तो होंगे, तभी सिलेक्शन होगा। तो दोस्त हमें अलग तो करना होगा, है ना? तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, एक बड़े भाई की तरह समझा रहा हूं, कि आप बिल्कुल बोर होने का मतलब है कि आप लोगों का मन हटना, और आपके मन हटने का मतलब है सिलेक्शन से बहुत दूर जाना। अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, अभी तो परसेंटेज के